हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल माय इंडियन रेलवे जर्नीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ये जर्नी मेरे यूट्यूब चैनल की दूसरी वीडियो होने जा रही है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रेन नंबर 12990 अजमेर दादर वेस्टर्न सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। आज मैं आपको राजस्थान अजमेर से मुंबई दादर वेस्टर्न जाने वाली इस सुपरफास्ट ट्रेन की पूरी जानकारी दूंगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी किए इस वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलती है अजमेर जंक्शन से, जो है रविवार, बुधवार और शुक्रवार। इस ट्रेन का रूट मारवाड़ जंक्शन, अहमदाबाद जंक्शन, वडोदरा जंक्शन से होते हुए दादर वेस्टर्न है। वह यह ट्रेन 978 किलोमीटर की दूरी लगभग 17 घंटे 20 मिनट में तय करती है। इसकी परमिशेबल स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है व एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन अजमेर जंक्शन से रात 7:20 पर रवाना होने के बाद 21 छोटे बड़े स्टेशनों से होते हुए अपने अंतिम स्टॉपेज दादर वेस्टर्न दोपहर के 12:40 पर पहुंचती है। इस ट्रेन को अजमेर जंक्शन से अहमदाबाद जंक्शन तक एक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है, जो भगत की कोठी WDP-4, WDP-4B या WDP-4D में से कोई एक हो सकता है। वह अहमदाबाद जंक्शन से दादर वेस्टर्न तक इस ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है, जो BRC-WAV-4E या BRC-WAV-5 हो सकता है। अगर हम फ्रेंड्स बात करें इस ट्रेन में लगने वाले कोचेस की, तो वह आईशेफ श्रेणी के 24 कोचेस लगते हैं, जिनमें से 2 सामान्य गार्ड ब्रेक कोच, 4 अनारक्षित सेकेंड क्लास कोच, 13 स्लीपर क्लास कोच व 3 3 टायर AC कोच और 2 2 टायर AC कोच होते हैं। अगर हम बात करें इस ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अजमेर जंक्शन से दादर वेस्टर्न तक लगने वाले किराए की, तो अनारक्षित सामान्य सेकेंड क्लास का ₹285, स्लीपर क्लास का ₹505 व AC थर्ड टायर का ₹1330 और AC सेकेंड टायर का ₹1885 है। इस किराए में GST और फूड मिल के चार्जेस शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने आपको यह किराया अजमेर जंक्शन से दादर वेस्टर्न तक का बताया है और इस किराए में भारतीय रेलवे द्वारा कभी भी बदलाव किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस ट्रेन में आपको तत्काल टिकट बुक करने की सुविधा भी मिलती है। इस ट्रेन में ऑन बोर्ड कैटरिंग व ई कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इस ट्रेन की स्टॉपेज की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन यानी रविवार, बुधवार और शुक्रवार को अजमेर जंक्शन से रात के 7:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपने निर्धारित समय से रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला स्टॉप ब्यावर है, जहां पर यह 8:01 पर पहुंचती है और 8:03 पर यहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का तीसरा स्टॉप सोजत रोड है, जहां पर यह 8:91 पर पहुंचती है व 8:53 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का चौथा स्टॉप मारवाड़ जंक्शन है, जहां पर यह 9:33 पर पहुंचती है व 9:38 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का पांचवा स्टॉप रानी है, जहां पर यह 10:13 पर पहुंचती है व 10:15 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर यह 2 मिनट का स्टॉप लेती है। इस ट्रेन का छठा स्टॉप फालना है, जहां पर यह 10:28 पर पहुंचती है व 10:30 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का सातवां स्टॉप जवाई बांध है, जहां पर यह 10:43 पर पहुंचती है व 10:45 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का आठवां स्टॉप पिंडवाड़ा है, जहां पर यह 11:18 पर पहुंचती है व 11:20 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं आबू रोड, इसके 90 स्टॉप, जहां पर इसकी 304 किलोमीटर की यात्रा संपूर्ण हो जाती है। यहां पर यह रात 12:37 पर पहुंचती है व 12:52 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 15 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 10वां स्टॉप पालनपुर जंक्शन है, जहां पर यह 1:53 पर पहुंचती है व 1:55 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 11वां स्टॉप जो कि चापी है, यहां पर ये 2:07 पर पहुंचती है व 2:09 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 12वां स्टॉप जो कि ऊंजा है, यहां पर ये 2:43 पर पहुंचती है व 2:45 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर भी इसका 2 मिनट का स्टॉप है।
इस ट्रेन का 13वां स्टॉप मेहसाना जंक्शन है, जहां पर ये 3:05 पर पहुंचती है। वह 3:07 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन, जो कि इसका 14वां स्टॉप है। यहां पर ये 490 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर चुकी होती है। यहां पर ये 4:35 पर पहुंचती है। वह 4:55 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 20 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अहमदाबाद जंक्शन में इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। इसका 15वां स्टॉप नडियाद जंक्शन है, जहां पर ये 5:54 पर पहुंचती है। वह 5:56 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 16वां स्टॉप आनंद जंक्शन है, जहां पर ये सुबह के 6:14 पर पहुंचती है। वह 6:16 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं वडोदरा जंक्शन, जहां पर इसकी 591 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हो जाती है। यहां पर ये 6:57 पर पहुंचती है। वह 7:02 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसके 5 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 18वां स्टॉप भरूच जंक्शन है, जहां पर ये 7:50 पर पहुंचती है। वह 7:52 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 19वां स्टॉप सूरत है, जहां पर ये 8:50 पर पहुंचती है। वह 8:55 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 20वां स्टॉप नवसारी है, जहां पर ये 9:16 पर पहुंचती है। वह 9:18 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 21वां स्टॉप वलसाड़ है, जहां पर ये 9:50 पर पहुंचती है। वह 9:52 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 22वां स्टॉप, जो कि इस ट्रेन का सेकेंड लास्ट स्टॉप है, बोरोवली, यहां पर 11:56 पर पहुंचती है। वह 11:59 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका मात्र 3 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, हम दादर वेस्टर्न पहुंच चुके हैं। यहां पर ये दोपहर के 12:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अपनी 978 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी जर्नी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इसी तरह की ट्रेन जर्नी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।